मंडी शहर के बीचों बीच इंदिरा मार्केट परिसर की छत से तीन फल सब्जी विक्रेताओं की रेड़ियों को हटाने पर रेड़ी फेड़ी वर्कर यूनियन बिफर गई है। पुलिस व नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गुस्साए वर्कर यूनियन के सदस्य ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी कर अपना गुस्से का इजहार किया। वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक हटाए गए रेड़ी फेड़ी धारकों को वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जाता है, तब तक उनको उसी स्थान पर रेड़ी लगाने दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वर्कर यूनियन संघर्ष पर आमदा होगी। धरना प्रदर्शन के बाद श्रम संगठन सीटू के महासचिव राजेश शर्मा की अगुवाई में रेड़ी फेड़ी वर्कर यूनियन के सदस्यों ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूनियन के सदस्यों ने बताया कि गत दिवस पुलिस के साथ मिलकर नगर परिषद के कर्मचारियों ने इंदिरा मार्केट की छत पर तीन रेड़ियों को वहां से जबरन उठा दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस व नगर परिषद के कर्मचारियों ने रेड़ी फेड़ी धारकों को वहां से बलपूर्वक खदेड़ दिया है। यूनियन के सदस्यों ने उपायुक्त से मांग की है कि जब तक इन रेड़ी फेड़ी धारकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक उन्हें उसी स्थान पर रेड़ी लगाने दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी गुरेज नहीं करेगी। हमारा जो बैंडिंग जोन जो HDFC बैंक के पास जो बैंडिंग जोन 2013 के अंदर निर्धारित किया गया था, उस बैंडिंग जोन पे तीन बैंडर जो हमारे खड़े हुए थे, वो कल जो है नगर परिषद के कर्मचारी जो है वहाँ गए और अपनी मर्जी से हमें बिना नोटिस दिए हुए उन रेडियो को वहाँ से उठा करके ले गए हैं। हमने अपनी रेडियो को वापस करने की मांग की है तो उन्होंने हमारी जो रेडियो को वापस करने से मना किया कि हमारे को आदेश है, ऊपर से आदेश है, तो जिस किसी के आदेश थे वो उन्होंने बताया नहीं किसके आदेश थे। लेकिन हमने फिर मांग की SD महोदय से कि आपको कारोबार जो है सौंपा गया है तो हमारी रेडियो वापस करने के लिए आप कुछ हमारी मदद करो, क्योंकि उन्होंने बोला कि नई रेडियो किसी की वापस नहीं होगी और वो जो बैंडिंग जोन है वो बैंडिंग जोन बोले उसको हम जो है अपनी मर्जी से उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो कानून के अंदर है, जो कानून बोलता है, कानून का जो दायरा है उस पे वो बिल्कुल जो टाउन बैंडिंग कमेटी में तय हुआ था कि जो पुरानी जो रेडियो है उनको उसी स्थान पे रख लिया जाएगा। लेकिन ये जो कल किया गया है वो बिना गैर कानून तरीके से किया गया है। लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये जो हमारी जो रेडियो को अगर दो या तीन बजे तक लीज नहीं किया जाता है तो कल जो हमारा जो धरना है वो तीखा रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी जो जिला प्रशासन की रहेगी।